नमस्कार साथियों, शुभम एकेडमी के एजुकेशनल चैनल में आपका पुनः स्वागत है। आज हम देखते हैं रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का यूज़ करना। कीबोर्ड एक्चुअली में कीबोर्ड गलत बोल दिया मैंने, रेमिंगटन गेल लैंग्वेज, क्योंकि जब हिंदी हम यूज़ कर रहे होते तो हिंदी लैंग्वेज के अंदर रेमिंगटन गेल कीबोर्ड है। तो अधिकतर आजकल आपने देखा होगा कि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में आपको हिंदी टाइपिंग की आवश्यकता पड़ती है और ऐसे में फ़ॉन्ट काम नहीं करते हैं। फ़ॉन्ट चूँकि एक अलग ऑप्शन होते हैं, फ़ॉन्ट किसी भी एप्लीकेशन के लिए लागू होते हैं, तो हम किस प्रकार से हिंदी लैंग्वेज का यूज़ करें, किस प्रकार इसको टाइपिंग करें। और आपने देखा होगा CPCT में भी पर्टिकुलरली दो ही कीबोर्ड उसमें दिए गए हिंदी टाइपिंग के लिए, इनस्क्रिप्ट और रेमिंगटन गेल। तो बहुत सारे यूज़र्स को समस्या आ रही है कि वो रेमिंगटन गेल कीबोर्ड सेट नहीं कर पा रहे हैं, तो मैं आपको बताता हूँ आसान से स्टेप में आज रेमिंगटन गेल कीबोर्ड का यूज़ करना। लेकिन इसके पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो साथियों, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना है भाषा इंडिया.com, और भाषा इंडिया.com पर आप डाउनलोड ऑप्शन में जाएं। आपको यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस मिलेगी, जैसे इसमें अभी आ रहा है माइक्रोसॉफ्ट इंडिक लैंग्वेज इनपुट टूल। इसमें आपको विशेष ध्यान रखना है कि आपको ये सारी भाषाओं में आप सीधे सीधे, अधिकतर लोग क्या करते हैं कि हिंदी डाउनलोड को क्लिक कर लेते हैं, लेकिन ये इनस्क्रिप्ट नहीं है। आपको इसके लिए इनस्क्रिप्ट है, आपको रेमिंगटन गेल सेटिंग लेने के लिए इंडिक इनपुट 3 का यूज़ करना है। और यहाँ पे आपका जो भी विंडोज़ का वर्ज़न है, जैसे विंडोज़ 8 है 32 बिट या 64 बिट, तो आप उसमें जाइए। और जैसे मेरे पास यहाँ पर 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो मैं डाउनलोड को क्लिक करता हूँ और इसको क्विकली डाउनलोड कर लेता हूँ। साथियों, डाउनलोड होने के बाद आपको इसे अपने सिस्टम में इंस्टॉल करना होगा, तो हम कुछ ही स्टेप में इसको आसानी से इंस्टॉल कर लेते हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये मेरे सिस्टम में यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। अब हमें इसको सेट करना होगा, तो सेट करने के लिए आप कंट्रोल पैनल में रीजनल एंड लैंग्वेज आपको मिले ऑप्शन मिलेगा, इस रीजनल एंड लैंग्वेज ऑप्शन पर जाएं। यहाँ पर आपको लैंग्वेज एडिशनल सेटिंग आप यहाँ पर लैंग्वेज सेटिंग के लिए जाएं और हिंदी टाइप करें। हिंदी इंडिया आप ले सकते हैं। लैंग्वेज परफॉर्मेंस को क्लिक करें। जैसे ही आप लैंग्वेज परफॉर्मेंस को क्लिक करते हैं, यहाँ पर लैंग्वेज ऑप्शन यह दिखाई दे रहा है, हिंदी का मैं ऐड कर चुका हूँ इसमें। साथियों, यहाँ पर एक विशेष आपको ध्यान रखना है कि ऑप्शन में जाकर के लैंग्वेज बार की सेटिंग आप अवश्य कर दें, उससे यह होगा कि लैंग्वेज बार आपकी अपेयर होगी। लैंग्वेज बार को एक्टिवेट करने के लिए आप एडवांस सेटिंग को क्लिक करें। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा यूज द डेस्कटॉप लैंग्वेज बार व्हेन इट्स अवेलेबल, इससे यह होगा कि डेस्कटॉप पर जो लैंग्वेज बार है वो शो होने लगेगी।